आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं पुलिस प्रशासन को बताता हूं, यह आप चूड़ियां पहनने वाले नहीं, अस्तरिया पहनने वाले ही है। सबसे पहले हरियाणा से आए हरस चिकारा की जो यहां मेरा परिवार बैठा है, अगर मेरी जुबान में बोले आप सभी के चरणों में राम राम, आपकी जुबान में बोले अस्सलाम वालेकुम। अब आप सभी साथियों से एक विनती है, मैं भाषण नहीं देता, मैं हकीकत बताता हूं, उस हकीकत को गौर से सुनना है और सुनने के साथ साथ उस पर अमल करना है। राजस्थान पुलिस की आज चेतावनी थी, अगर आप राजस्थान में आए आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं पुलिस प्रशासन को बताता हूं, यह आप चूड़ियां पहनने वाले नहीं, अस्तरिया पहनने वाले ही है। दूसरी बात, जो हमारी पुलिस प्रशासन है वो हमारे इन्हीं बुजुर्गों के बेटे, इन्हीं बुजुर्गों के बच्चे हैं, कम से कम अपने परिवार, अपने काका ताऊ की इज्जत और मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो सरकार है, सरकारें आएंगी जाएंगी, आपके पिता काका ताऊ यहीं रहेंगे, ये समाज इनसे है, सरकार से नहीं। राजस्थान की जब राजनीति देखता हूं मुझे हंसी आती है, ऐसा लगता है जैसे जीजा साड़ी का खेल चल रहा। पहले साड़ी ने आपको 5 साल लूटा और कहा जीजा जी कुर्सी पे आइए, अब आप लूटिए। मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं, लड़ाई लड़ने से पहले यह पता होना चाहिए लड़ाई जीती कैसे जाती है, क्योंकि आप बार बार कहते हो बात करने के लिए बुला रहे हैं, बाप जी बात करने के लिए बुला रहे हैं, हम जो पट्टे की बात कर रहे हैं, अगर हमें लड़ाई लड़नी आ गई बाप जी के गले में पट्टा घाल के स्ट्रोक पे हम लेके आएंगे। वो नहीं है बाप जी, किसने बनाया, किसके दम पे बनाए, आप लोगों के दम पे। लेकिन मुझे बड़ा दुख है, इस परिवार को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं। आप सभी को बता देता हूं, कम से कम अपने बुजुर्गों को याद कर लो, आप लोगों को अपनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। जब शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्पाक उल्ला जिनका भी जिक्र था, छोटी छोटी बातें बताता हूं, जिस वक्त जनेऊ धारण करे हुए थे, चंद्रशेखर भगवान के नाम लेते थे, भगत सिंह पिस्टल निकाल के खड़ा हो जाता था, कभी पीछे से कोई गोरा लोग मेरे भाई पे पीछे से हमला ना करते। जिस वक्त अस्पाक उल्ला 5 वक्त की नमाज अदा करते थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बंदूक तान के खड़ा हो जाता था, मेरे भाई पे हमला ना हो गया। जब दोनों जेल में एक साथ का कोरी कांड में बंद थे, आप सभी को बता देता हूं, पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करने के बाद हलवा नहीं छूट देती है, और उस राम प्रसाद बिस्मिल का 2 वक्त का भगवान का नाम लेने का जब टाइम होता था, उस टाइम उसको जानबूझ के परेशान करती थी पुलिस प्रशासन, गोरे लोगों की अंग्रेज। उस वक्त अस्पाक उल्ला के खड़ा होकर ये कहता था, मेरे भाई का भगवान को याद करने का टाइम है, इसके नाम का अगर आप लोगों को टॉर्चर करना है, मुझे पीटना है, तो मुझे प्रताड़ित करो, मेरे भाई को नहीं। जब अस्पाक उल्ला उस थाने में, उस जेलों में 5 वक्त की नमाज अदा करता था, उसके नाम का राम प्रसाद बिस्मिल कपड़े निकाल के पीटता था। यह होता था हिंदू मुसलमान का भाईचारा। तुम्हारे बीच में आ गए अंग्रेजों का झूठा खाने वाले लोग, दो भाई
एक ने कांग्रेस को पैदा कर दिया, एक ने बीजेपी को, और दोनों ने कसम खा ली अंग्रेजों का झूठा खाया हुआ था। गुरु जी गोरे अंग्रेजों आप चले जाओ, आपके सारे गुण हमने ले लिए, हिंदू मुसलमानों की लड़वा के बैंड बजवाने का काम हम करते रहेंगे। एक वक्त आप लोगों को बताता हूं, आप लोगों के दिल कांप जाएंगे, गारंटी देता हूं। लुधियाना के अंदर जब 1857 की क्रांति हुई, आप सभी साथी को और से सुनना, आवाज नहीं आनी चाहिए, वहां का एक बहुत बड़ा सूफी संत था जिसका नाम था अब्दुल कादिर लुधियानवी। जो शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी था, सबसे पहली लड़ाई उसने छेड़ी, मैं अपने जीते जी कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई हिंदू, कोई मुसलमान टूटने और मरने नहीं दूंगा। वो जब लड़ाई शुरू हुई, आप सभी साथियों को बता देता हूं, उस वक्त संत साहब की उम्र 66 साल थी। 66 साल में आप लोग बुजुर्ग हो जाते हो। 66 साल की उम्र में बुलावा आता है कि दिल्ली पे कब्जा होने वाला है, आप दिल्ली पे आओ। वहां से चलते हैं खान साहब, लुधियाना से दिल्ली आते हैं, अंग्रेजों के साथ लड़ते हैं, उनकी आंखों के सामने उनकी पत्नी तलवार लेके बुजुर्ग अवस्था में 65 साल की उम्र में अंग्रेजों से लोहा ले ली, और वो हमारी माता जी लड़ते लड़ते दिल्ली के दरबारों के पास शहीद हो जाती है। उस शहीद होने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े उसके पति के आगे किए जाते हैं ताकि इसका पति होश खोकर अंग्रेजों को गिरफ्तारी दे दे, और हमारा वो 66 साल का योद्धा सूफी संत दोनों हाथों से तलवारें चलाते हुए अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह काटता है। उसके बाद वापिस जाके लुधियाना को संभालता अपनी पत्नी की लाश को नहीं, उसकी पत्नी की जो लाश है उसको ताबूत में ऐसे टुकड़े इकट्ठे करके कहीं से पैर उठाया, कहीं से हाथ उठाया, उसको यही मिट्टी दी जाती है दिल्ली के अंदर फतेहपुर। अगर आप अभी जाओगे आप लोगों को दिखाई देगी। और यहां से जाकर 1860 में लुधियाना के अंदर हमारे उस सूफी संत का शरीर पूरा हो जाता है। अब उन्हीं का एक पड़पोता, था हबीबुर रहमान। जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका, भगत सिंह के परिवार को, भगत सिंह की मां को, भगत सिंह के भाई को कोई फना देने वाला नहीं था, उसी के वंशज उस हबीबुर रहमान ने कहा, ए भगत, अगर तुझे उंगली भी लगेगी इस खान साहब के जिस्म को छू के लगेगी, ये घर तेरा है यार है। आज भी भगत सिंह के पड़पोते उस परिवार के साथ जाते हैं, उस परिवार के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, आप वो लोग हो जिन्होंने हमारी वंश वेद को बचा लिया। एक आज की दुनिया है, 2% के भाड़े के नेता चंद पैसों में 2-4 करोड़ में टिकट लेके आते हैं, माइक पकड़ा, हिंदू मुसलमान करना शुरू, और आप लोग उनके बहकावे में आ जाते हो। सबसे पहले जो आप लोगों के अंदर ये दूरी बनी हुई है, इसको खत्म कर लो, आपको हराने वाला इस धरती पे कोई नहीं है। और लड़ाई की बात आती है, अब लगभग अगर मैं यहां देख रहा हूं लगभग 3,000-4,000 साथी होंगे। आप सभी साथियों को कहता हूं, अगर एक जवान बच्चे का झगड़ा हो जाए, फोन करके एक मिनट में 10 साथियों को बुला देता है, और ये तो झगड़ा आप सबका है। मैं आप सबसे कहता हूं, यही बैठे बैठे फोन मिलाओ अपने यारे प्यारे रिश्तेदारों के पास और उनको कहो, आज हमें आपकी जरूरत है। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप 10-10 आदमियों को बुलाते हो, 30-40 हजार आदमियों की संख्या यहां सुबह हो जाएगी, और जो आपका बाप जी है वो खुद पट्टा पहन के रेंगता हुआ यहां आएगा। और रही बात डराने की, धमकाने की,
मैं गहलोत सरकार को बता देना चाहता हूं, हमारे बुजुर्गों को पहचान लो, इन्होंने आप लोगों की तरह अंग्रेजों का जूठा नहीं खाया, इन्होंने जहां से मिट्टी उठाओगे वहां से इनके बलिदान की खुशबू आएगी। इस मिट्टी के लिए हमने अपना रक्त बहाया है। और जो कहते हैं हरियाणा से आए हरत सितारा को रोक लो, गिरफ्तार कर लो, उनको भी एक बात बता देना चाहता हूं, जब तक मेरे बुजुर्ग आंदोलन करेंगे जहां इनके पसीने की एक बूंद पड़ेगी वहां हरत सितारा अपना खून बहा देगा। और अगर आप लोगों को बेला फुसला कर कोई बुलाता है, दरबारों में आओ, घर पे आओ, समझौता करेंगे, बातें करेंगे, कोठों में बातें वैश्या करती है मर्द नहीं। अगर बात करनी है छाती से छाती लगाकर हमारे बीच में आकर यहां करो, क्योंकि राजा हम है तुम नहीं। और जो बार बार धमकी देते हैं हमें, ये हिंदू मुसलमान, हिंदुओं को निकाल दो, मुसलमानों को निकाल दो, इनको काट दो, उनको काट दो, मैं दोनों पार्टियों के जो लावारी सोलाते हैं उनको बता देना चाहता हूं, हिंदुस्तान हमारा है, तुम्हारे खास का नहीं। अब आप लोग देख लो, अगर आप लोग सच्चे मुसलमान हो, अगर आप लोग सच्चे हिंदू हो, अगर आपकी रगों में सच में हिंदुस्तानी होने का खून दौड़ रहा है, यहां ये संख्या, ये सर सुबह के वक्त हमें 10 गुना ताकत में दिखने चाहिए। चाहे आप घर जाओ, गाड़ी ट्रेली बाइक जिसके पास जो है वो करो, या यहां बैठ के सबके पास फोन करो, अगर 10-10 आदमी जोड़ने में आप कामयाब हो गए, समझो अगले 12 घंटे के अंदर नतीजा आपकी तरफ होगा। अब आप लोगों को फैसला करना है आपको आंदोलन कितनी देर में खत्म करना है। अगर आपकी ये जीत हो गई, मैं वादा करता हूं भविष्य में आपको हराने की कोई कोशिश नहीं करेगा। आंदोलन जीतने से पहले आंदोलन लड़ना सीखो। रही बात गिरफ्तारी की, अगर पुलिस प्रशासन किसी एक को उठाती है, उसी वक्त थाने में जाके 1000 बैठ जाओ और कहो हमें भी बंद करो। हम भी देखना चाहते हैं गिरफ्तारी देने वाले कम है या जेलें छोटी पड़ जाएंगी। आप सभी को बता दे रहा हूं, राजस्थान के अंदर इतनी जेल नहीं कि आप सबको बंद कर सके, और जब आपसे भी 10 गुना ज्यादा होंगे ये कहां बंद करेंगे। इन बेचारों को तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। मैं हाथ जोड़ के पुलिस प्रशासन से विनती करता हूं, हम आप लोगों का मान सम्मान इज्जत करते हैं, कृपया सरकार के बहकावे में आके झूठी दोष हमें ना दे, क्योंकि सरकार पट्टा लिखवा के नहीं आई, हर 5 साल बाद कोई राजा और होता है। इसलिए इस देश का अगर कोई असली राजा है वो है हिंदुस्तान का जवान और किसान, और आप उसी किसान के पुत्र जवान हो, हम आपका सम्मान करते हैं, आप लोगों को हमारा सम्मान करना चाहिए। और इस लड़ाई में हमें पता है आप हमारा साथ नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम डराने की कोशिश तो ना करो। अब आप सभी साथियों से मैं इतना कहके अपने अंतिम शब्द जो कहना चाहता हूं, अपनी जुबान को लगाम दूंगा, इस भाषण को भाषण ना समझे, इस बात पे अमल करें।